नमस्कार, टीवी 100 की टीम आ पहुंची है हल्द्वानी। 2022 के रन के प्रोग्राम को लेकर हम जानेंगे। प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में हमारी टीम जा रही है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों के आधार पर जो है प्रदेश की जनता वोट करेगी। और तमाम जो दावे सरकार के हैं कि उन्होंने 5 सालों में विकास के बहुत सारे काम किए हैं, जबकि अपोजिशन लगातार कह रहा है कि सरकार के दावों के बीच हकीकत महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले सर, 5 साल की सरकार प्रदेश में है, अब चुनाव नजदीक है, किस तरह से देखते हैं चुनाव, कैसे और किस रूप में, किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है होगा? विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं प्रमोद सिंह तोलिया पार्षद नगर निगम हल्द्वानी से हूं और जिस प्रकार से इस प्रदेश में इन 5 वर्षों में विकास हुआ है, जिसमें से 2 वर्ष कोविड ने पूरे देश को पूरे दुनिया को झकझोर के रखा था, उसके बावजूद भी जो विकास तेजी से हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम जनता से इस बार 2022 में दोबारा से 60 पार सीट लेके दोबारा सरकार भाजपा बनाएगी। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा सर, क्या कुछ देखते हैं पिछले 5 सालों में, ऐसी कौन सी उपलब्धियां सरकार की रही हैं जिन उपलब्धियों के आधार पर आप लोगों को लगता है कि सरकार वापस आएगी? देखिए, 5 साल की उपलब्धि की बात करूँ, मैं इतना कहूँ तो आपका चैनल जो है पूरे टाइम मुझे दिखाते रह जाएगा इतनी उपलब्धियां सरकार ने करी है। आप देखिए, 2000 से 2017 तक जितनी PHMRI रोड बनी उससे ज्यादा 2017 से 2020 के बीच में बन गई। ऑल वेदर रोड बनी, जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम दे, जो रेल कब से रुकी, क्योंकि रेल के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, रेल विकास के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन भाजपा सरकार बना रही है, 30 चैनल बने, टनकपुर से बागेश्वर की रेल की सर्वे लाइन होगी। और हमारा दुर्भाग्य, हम इस हल्द्वानी में रहते हैं जहाँ के रेलवे का विकास, रेलवे स्टेशन का विकास हमारी जो है जनप्रतिनिधियों ने नहीं होने दिया। वोट बैंक की राजनीति खातिर अतिक्रमण नहीं हट सका, हल्द्वानी रेलवे का स्टेशन विस्तार नहीं हो सका, हल्द्वानी का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया, हल्द्वानी का विकास रुक गया, पूरे कुमाऊं का विकास। लग रहा है कि सरकार ने इतने काम किए हैं कि किसी और काम की आवश्यकता नहीं है। सर, लगातार जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो संगठन है वो विकास यात्रा, संकल्प यात्रा के नाम से जो लगातार जनता के संपर्क में, किस तरह का रिस्पॉन्स देखते हैं प्रदेश के लोगों का और खासतौर पर इस हल्द्वानी विधानसभा? हल्द्वानी विधानसभा जो है अभी काफ़ी काम हो रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय वर्तमान में हमारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जहाँ तक मैं विकास की बात करता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हल्द्वानी में सड़कों का काम हुआ है, पेयजल अमृत योजना का काम हुआ है, यहाँ पर पार्क बने हैं जो, और जितने भी ये पार्क दिखाई दे रहे हैं इनका सौंदर्यीकरण हुआ है। सरकार लगातार काम कर रही है और भविष्य में जो हमारी योजनाएं हैं, हल्द्वानी से लगे हुए रिंग रोड की हमारी योजना है, हमारे पेयजल गोला में जितना पानी आता है वो यहाँ की जनसंख्या को देख के उतना पानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन घर घर तक नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी योजना बराबर बन रही है। और इसमें फिर आएंगे, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। अब यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे। सर, सरकार को भरोसा है कि बहुत कुछ काम कर दिया उन्होंने और उन काम के आधार पर ही जनता जो है दोबारा उनको मौका देगी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 5 साल 3 मुख्यमंत्री, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। एक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा था उसको तक ये लोग बना नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी अपने 3 काम बता दे, 3 मुख्यमंत्री के अलावा हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विकास ठप हो गया है, पलायन बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है और भ्रष्टाचार चरम पर है, राज्य को धरातल पर पहुंचा दिया, इनको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। यानी राज्य का विकास को जो दावे हैं सर, उन दावों पे आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो तो कह रहे हैं कि जनता को यकीन है उनके कामों पे। देखिए, मैं 5 साल चेयरमैन रहा, 5 साल सभासद रहा और कॉलेज में मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी रहा, अध्यक्ष भी रहा। तो जो विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप हल्द्वानी की सड़कों में घूमें, गलियों में, अगर आप नए परिसीमन में घूमें तो सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि आज उन सड़कों में रिक्शा स्कूटर पलट रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, अभी जो गोलापार में स्टेडियम था, स्टेडियम पूरा हो चुका था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्टेडियम को हैंडओवर नहीं किया। वहाँ मोदी जी की रैली की बात कर रहे थे कि मोदी जी की रैली होगी, शायद इसलिए नहीं किया होगा कि किसी भी स्टेडियम में रैली नहीं हो सकती है। और आज मैं तो बताता हूँ, सौभाग्य की बात है, PM मोदी जी हर बार यहाँ आते रहे और इसी प्रकार से सड़कों की मरम्मत होती रहे जिस प्रकार से आज हो रही है। यानी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं का जब दौरा होता है तो सड़कों का निर्माण तेज हो जाता है। भाई साहब, तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं,
जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि 5 सालों में प्रदेश की बीजेपी सरकार और 7 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जितना काम कर दिया उतने पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। आखिर जो दावे जो वादे हैं आप लोग भी लगातार जनता के बीच जा रहे होंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या मैसेज बीजेपी छोड़ पा रही है? देखिए, मैं सुहेल सिद्दीकी पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ। हमने जब हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, ISBT यहाँ पर जो बन रहा था, इन लोगों ने, भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस बीजेपी की, इन लोगों ने कुछ भी यहाँ पर जो ISBT था उसको भी रोक दिया, वो भी नहीं बनने दिया। और सिर्फ इस कारण ये राजनीति की भेंट चढ़ गया क्योंकि ये डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार कुछ काम नहीं करती, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाना जानती है और भ्रष्टाचार करना फैलाती है। उत्तराखंड गठन के 21 वर्ष हो गए, इन 21 वर्षों में सच्चाई यही है कि दोनों ही दल, जो बड़े दल हैं बीजेपी कांग्रेस, दोनों ने प्रदेश की सरकारें चलाई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर चुनाव के वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल जब भी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं एक गारंटी देके जा रहे हैं, उस गारंटी का कितना असर क्षेत्र में और तमाम उत्तराखंड में होता दिख रहा है आपको? उसका असर तो इतना बैठ रहा है यहाँ पर कि जितने भी दिल्ली यहाँ से पलायन कर चुके थे लोग, हमारे पहाड़ के वासी, वो सब वापसी उत्तराखंड में आ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी की नीति उनको वापसी ला रही है और वो यहाँ कर घर घर प्रचार यही कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की नीति को ही आगे लाएंगे। और केजरीवाल जी वहाँ पर नीति चला रहे हैं अपनी पूरे दिल्ली प्रदेश में, वही उत्तराखंड में हम वही प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, महिलाओं को, सबको हम सम्मान देंगे। यानी जो मुद्दे दिल्ली के हैं उन मुद्दों के आधार पर जो है ये कह रहे हैं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी जो है जनता के बीच में पैठ बना पाएगी, लग रहा है सबको? बिल्कुल लग रहा है। और जो है बेरोजगारी बहुत ही बड़ा प्रमुख मुद्दा है और इसको देखते हुए केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हर बेरोजगार को जो है 5,000 रुपये भत्ता देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये भत्ता देंगे, और जो कि मिलना भी चाहिए। ये दोनों सरकारें, कांग्रेस और भाजपा की, जितनी भी साल रही हैं इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं करा। साफ तौर पर आरोप है, लेकिन सवाल यही है कि जो अरविंद केजरीवाल बातें कर रहे हैं, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, वो प्रदेश की राजनीति जिस स्तर की रही है और प्रदेश में जो समीकरण पिछले कुछ वर्षों में हमने देखे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देकर जा रहे हैं लोगों को, लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो रोड़ा का काम करेगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जो कहते हैं वो सब फेल है वहाँ, और कांग्रेस पिछली बार इसलिए हारी कि मुख्यमंत्री बदलने का आरोप लगा रहे हैं, इनके नेता ने कहा जितना खाना है खाओ, जितना लूटना है लूटो, वो चीज जनता भूली नहीं है। जहां तक विकास की बात है, दो डबल इंजन की सरकार है, प्रकाश जी ने काफी चीजें बताई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, उसने राज्य बनाया, नौजवान मुख्यमंत्री हैं और लोगों को लगता है कि विकास और एक गौरवशाली प्रदेश उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, बीजेपी का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री है और लगातार जिस तरह से जनता से वो संवाद कर रहा है, बीजेपी को यकीन है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री प्रदेश में सत्ता वापसी कराएगा। उत्तराखंड गठन के बाद से UKD शुरुआती दिनों में जरूर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उनकी रही, लेकिन जिस तरह की प्रदेश में UKD की इस समय स्थिति है सर, आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जनता के बिना, जनता के सहयोग के बिना इस प्रदेश में UKD आगे कैसे आगे सफर देखती है अपना? देखिए, पिछले 21 साल से आप उत्तराखंड को देख रहे हैं और उत्तराखंड की जो पार्टियां यहां पे सरकार में रही हैं उन्होंने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया पिछले 21 सालों में। और जितना भी अभी यहां हल्द्वानी की विकास की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी में सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, और यहाँ पे अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, रेफरल सेंटर बन गए हैं। उसके अलावा जो पानी की समस्या है, पूरे हल्द्वानी शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और उत्तराखंड क्रांति दल की जहां तक बात है, उत्तराखंड क्रांति दल को देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थन में, हरीश रावत जी खुद उनका बयान आया था। और इस तरीके से देखिए, अभी जो है जो सरकार है बीजेपी की, वो केवल जो है वो उन कांग्रेस के लोगों को मनाने में लगी हुई है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। बीजेपी की जो सरकार है वो अपने वापसी को लेकर जो है लगातार लगी है। सर, आपने सुना बीजेपी कहती है कि हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, युवा मुख्यमंत्री है और देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा शख्सियत है, उनको भरोसा है कि ये दो चेहरे काफी हैं विरोधियों को शिकस्त देने के लिए। ये शिकस्त देने के लिए नहीं, खाली भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। आपको पता होगा जैसे अभी क्या कहते हैं SIT जांच में जो ये कांड हुआ था, क्या कहते हैं
किसानों के ऊपर चलाया गया था, एसआईटी जांच में दोषी पाया गया था टेनी जी, वो आज भी उसी पद पर विराजमान है। तो जहां बीजेपी के अपराध मुक्त की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, उनको अपने पद से ना इस्तीफा दिया और ना उनके पर कार्रवाई की गई। और रही उत्तराखंड की बात और हल्द्वानी विधानसभा की, अगर विकास की बात करते हैं तो हल्द्वानी विधानसभा में सिर्फ विकास कांग्रेस काल में हुआ है और कांग्रेस काल में हुआ हल्द्वानी विधानसभा में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे बड़े भाई प्रभात हलवा जी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे पार्क बनाए हैं, ये एक मिनट, ये बहुत सारे पार्क बनाए हैं। तो ये कार्य जो कार्यकाल हमारा 2002 से लेकर के और मेरा कार्यकाल 2003 से लेकर के 8 तक हुआ है, उस बीच में सारे पार्क बनाए हैं जितने आप दे रहे हैं, तिकोनिया से लेकर के सौरभ होटल से जितने पार्क हैं, ये जब मैं चेयरमैन था 1,21,00,000 रुपए के पार्क बने हुए हैं। और ये जो है उसका श्रेय ये लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस के कामों का श्रेय बीजेपी लेना। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास आज विकास कार्य बताने के लिए नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सारी चीजें धरी की धरी रह गई, किसान आंदोलित है, व्यापारी आंदोलित है, बेरोजगार सड़कों पर है, उपनल कर्मचारी सड़कों पर है, ये केवल नारा दे रहे हैं मोदी 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 के नाम से जीतने वाले अब नहीं है। क्या सिर्फ बीजेपी नारा दे रही है मोदी मोदी का, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, सड़कों की हालत भी दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी लचर हैं, ऐसे में वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाम के आधार पर बीजेपी प्रदेश में काम नहीं कर रही है, मोदी के नाम पर जीतना चाहती है। देखिए 2017 में डॉक्टरों की उपलब्धि हमारे वहाँ क्या थी, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या थी और आज क्या है, 1,052 डॉक्टर हमने इसमें बढ़ाए हैं, 4 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, एम्स बनाया, एम्स का सेटेलाइट सेंटर पहली बार बना है, किसी भी स्टेट में पहली बार 2 एम्स के सेंटर होने भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और कर क्या रहे हैं, जब डॉक्टर बनेंगे मेडिकल में तो डॉक्टर पढ़ेंगे, इनके उसमें क्या हालत थी मेडिकल रिजल्ट कह रहे हैं कि मेडिकल का बहुत काम हुआ, भाई साहब मेडिकल का बहुत आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, मेडिकल का कह रहे हैं बहुत काम हुआ, एम्स बन गए 2 उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, स्वास्थ्य सेवाओं पे कह रहे हैं कि लगातार सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम भी दिख रहा है, फिर इतना विरोध, इतना आप लोगों को क्यों लग रहा है कि बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है? देखिए ये आम आदमी बताएगा कि भाजपा ने क्या करा, भाजपा के नेताओं ने पिछले चुनाव में डबल इंजन मांगा था, लेकिन यहाँ की जनता ने 80% प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई थी और 5 इंजन दिए, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, नगर निगम, निकाय, जिला पंचायत और विकासखंड, हर जगह भाजपा की सरकार बनाई और प्रचंड बहुमत के साथ बनाई। उसका उल्टा परिणाम ये हुआ कि यहाँ की जो योजनाएं चल रही थी, जो परिपाटी राजनीति में चलती है, विकास हमेशा चलते रहता, सरकारें बदलती रहती हैं, उस परिपाटी को भाजपा ने पलटा और आज भाजपा के नेता छुप रहे हैं। प्रदेश सरकार के किसी मंत्री की किसी विभाग की आप एक उपलब्धि बता दें, आप प्रदेश तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी जो कांग्रेस के शासन में, बीजेपी के आने के बाद कितना काम हो पाया? देखिए भारतीय जनता पार्टी, आज मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे, एक काम बता दे राज्य के अंदर, बाकी काम तो छोड़ दो, 3 मुख्यमंत्री बनने के बाद सिवा इनके पास क्या एजेंडा है बताइए आप? इतने दावों के बावजूद वो कह रहे हैं कि बीजेपी काम गिना दे, अपने काम गिना दो, उनको तो काम ही नहीं दिख रहा, आप कह रहे हैं कि अपार काम हो गए, वो कह रहे हैं काम गिनाए बीजेपी, कौन कौन से काम प्रदेश सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत काम कर दिए, आप खुद जांच सकते हैं कि 2 साल पहले हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं क्या थी, इतना बड़ा कोविड आया जिसमें 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा हम खुद लगाएंगे लेकिन वो फेल हुए। और रही बात हल्द्वानी, बीजेपी कहती है कि कोविड जैसे संकट से दौर से गुजरी है देश गुजरा है, सर जो बीजेपी दावा कर रही है जनता का भरोसा बीजेपी को लगता है, बीजेपी कह रही है कि जनता उनके साथ है, अपोजिशन तमाम अपोजिशन बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ चेहरे बदले, काम की जो गति थी वो कम हो गई। अब की बार भी भाजपा सरकार 60 के पार करेगी, बीजेपी के कार्यों को देख के जनता क्या, सारे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के कार्यों को देख के प्रसन्न है। अभी मोदी जी ने 600 करोड़ की बागेश्वर रेल योजना का शुभारंभ किया है, जो सपना होता था लोगों के लिए पहाड़ पर रेल ले जाना, आज हल्द्वानी में हर गली कूचा पक्का बनाया हुआ है। कांग्रेस भ्रम फैलाती है जाति, और आज इन 20 वर्षों में कहीं एक दंगा कोई कांग्रेस का आदमी बताए कहीं पर एक दंगा हुआ? साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम में जी रही है, उनको कहना है कि 2017 में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था और इस बार 60 पार का नारा बीजेपी देकर चल रही है। सर हम तो ये कह रहे हैं, एक मिनट हम तो ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी विधानसभा, वर्मा जी हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हल्द्वानी विधानसभा, लालगुआ विधानसभा, कालानुगी विधानसभा में इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया, कांग्रेस ने गोलाबार ISBT बनाया, सर्किट हाउस बनाया, जू बनाया,
और बस अड्डा बनाया। इन्होंने सारे कार्य अभी तक रोके हुए हैं। जू का कार्य रोका है, बस अड्डे का कार्य रोका है और जो गोलाबाद में स्टेडियम है उसका कार्य भी रोका है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जनहित में कार्य है आज क्यों रोका है? आप कह रहे हो कि तमाम काम को रोका गया, वजह क्या है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो नहीं, हम एक मिनट हमें तो प्रत्यक्ष बताएं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणाएं की हैं, अगर एक मिनट उसका अगर 10% भी इनके पास पैसा है तो ये हमें बताएं कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। आपको बताइए, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके मंत्री इस्तीफा दे देंगे भाग रहे कि साहब मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई विकास नहीं हुआ, हम भिखारी बन गए, इनको जवाब देना होगा। सरकार ने कर दिया। आप सरकार ने उनकी बात मान ली है, लेकिन तमाम जो आप देख रहे हैं सत्ता दल है और कांग्रेस भी सत्ता में रही है, जो आरोप प्रत्यारोप है उन आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है? और 2022 में जो सपना अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में देख रहे हैं वो सपना कहां तक और कैसे पूरा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 21 साल आज युवा अवस्था में हमारा प्रदेश पहुंच गया है और 21 सालों में इन्होंने क्या किया है इस बात से स्पष्ट है कि जो हमारी विधानसभाएं पहाड़ में हुआ करती थी आज उलट हो गया। तराई में सारी विधानसभाएं क्षेत्रफल के हिसाब से सारी विधानसभाएं आ गई, यानी कि हमारा पहाड़ खाली हो गया। इनका विकास वहीं दिख जाता है, इन दोनों पार्टियों का विकास वहीं दिख जाता है। कह रहे हैं कि जो सत्ता में जो दोनों दल रहे हैं उन दोनों दलों के जो दावे हैं उन दावों को वो कहते हैं कि प्रदेश में 21 साल गठन को हो गए। सर दोनों ही दल आज आरोप प्रत्यारोप बड़े दल के नाते आप लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आपकी सरकार रही, कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया है और जो आम आदमी पार्टी है, जो तमाम और दल हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ इन दो पार्टियों ने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता से जो वादे किए, जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो सपना अब भी अधूरा है। आखिर क्यों नहीं यकीन दिला पाए बाकी लोगों को? मैं पहले तो आज नमन करना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को, आज उनका जन्मदिन है और सबको बताना चाहता हूँ जिस उत्तराखंड के लिए ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और उस उत्तराखंड को बनाने के लिए कांग्रेस ने कभी कोई पहल नहीं करी। उत्तराखंड राज्य अगर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 12 अगस्त 1992 को जब उत्तर प्रदेश में हमारी कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो पहला प्रस्ताव हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में केंद्र में गया। अब मात्र अभी 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य बना, तो इस उत्तराखंड राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है, जिनका जन्मदिन है, हमने इस राज्य को बनाया। वाजपेयी जी ने निश्चित तौर पर जिन छोटे राज्यों का गठन किया, जब 2000 में 3 छोटे राज्य बनाए उन्होंने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन उन्होंने किया, कितना कुछ सर 21 साल हो गए उत्तराखंड गठन के। जो सपना, जो राज्य था, जिस सपने के साथ कि पहाड़ का दूर दराज का जो व्यक्ति जो गांव में रहता है, चमोली के किसी दूर दराज गांव में, उस तक विकास की जो रफ्तार है वो पहुंचेगी। दोनों ही सरकारें सत्ता में रही है, कांग्रेस भी बीजेपी, उस सपने की ओर कितना हम बढ़ पाए? देखिए नरेंद्र तिवारी जी पंडित जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितना उनसे हो सकता था पूरे पहाड़ में एक एक जगह विकास किया। देहरादून से लेकर सितारगंज, रुद्रपुर में नोएडा का हब बना दिया, इतनी इंडस्ट्रियां लगा दी कि आज रोजगार। आप बात करते हैं नारायण दत्त तिवारी जी के, आप 1217 की बात क्यों नहीं करते? 1217 में जब आपकी सरकार रही उस दौर में क्या कुछ कर पाए उसकी बात क्यों नहीं करते? 1217 आप लोग चले जाते हैं, 1217 में भी हमारे लोगों ने काम किया, इंदिरा हृदयेश ने इतना काम किया। आज बता दें लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बार बार लौटते हैं लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद तो जानेंगे लोगों की और राय 2022 में। जो तमाम दल हैं सत्ता पे बैठी बीजेपी को लगता है कि 2022 में उसके किए विकास काम के दम पर इस प्रदेश का जो इतिहास, जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड को तोड़ पाएगी, जबकि कांग्रेस को लगता है ऐसा है नहीं। बीजेपी जो दावे कर रही है उन दावों में दम नहीं है और प्रदेश की जनता जो है इस बार सत्ता से बीजेपी को हटाएगी। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद तो फिर जानेंगे लोगों की राय। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी दूरदर्शी सोच से हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने को लेकर प्रयासरत है। एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है,
विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 रनवे, पर्यटन के साथ साथ विदेश व्यापार और यात्रा को बढ़ावा। देश में कई जो विकास कार्य हैं, जो आगरा में भी काफी विकास हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही योगदान है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल हवाई कनेक्टिविटी में नंबर 1 बन रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि 2022 में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर जन प्रतिनिधि और सरकार प्रदेश में चुनी जाएगी। सर, तमाम राजनीतिक दलों को आप लोग सुन रहे हैं, वादे भी हैं और कहीं ना कहीं उन वादों के विपरीत अपोजिशन का आरोप भी है। किस तरह से देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि जो प्रदेश में महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस बार चुनाव में? इस बार जो चुनाव में है, पूरे के पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो जो स्थिति बनी है, दो भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ मैदानी और पर्वतीय को लेकर है। पर्वतीय क्षेत्रों में 21 वर्ष बीत चुके हैं, कोई भी ऐसा कार्य दोनों सरकारों ने अभी तक नहीं किया जो किया जाना था। एक उम्मीद नई किरण युवा जो मुख्यमंत्री हैं उन पर है, लेकिन वो भी नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह जब कार्य करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कहीं दूर दूर तक स्थिति नजर नहीं आती। गाँव में आज इतनी बुरी हालत है, न रोड है, न वहाँ पर बिजली, न पानी, किसी तरह का कोई भी विकास कार्य दूर दूर तक नहीं है। इवन आज मोदी जी ने इंटरनेट का जमाना बढ़ा दिया है, नेट सेवाएं जो चल रही हैं पहाड़ों में बिल्कुल ध्वस्त हैं। यहाँ भी आप नेटवर्किंग बात करें, BSNL को बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जियो की नेटवर्किंग बढ़ाने के बाद रेट बहुत ऊपर कर दिए गए हैं। छोटे छोटे जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पर दोनों पार्टियों की दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर तमाम दावों के बीच जो है हकीकत को बता रहे हैं कि अब भी प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं जिसका निदान क्या हो सकता है। सर, लगातार आप सुन रहे हैं, दावे भी सुन रहे हैं, आरोप भी सुन रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब मित्र विपक्ष हो जाता है, जब विपक्ष मित्र हो जाता है तो सरकार काम नहीं करती, सत्ता पक्ष को मजबूर करना पड़ता है काम के लिए। तो यहाँ पर हमारी कांग्रेस जो इस बार रही भाजपा के अपोजिशन में, वो एक मित्रता की भूमिका निभाती रही, मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती रही, जबकि उसको आक्रोशित होकर के आगे आकर के अपनी जनता के हित के लिए यहाँ पर उनसे कार्य करवाने चाहिए थे और सरकार को बाध्य करना चाहिए था कि ये सब काम करें। जब इस तरह से अगर काम नहीं होंगे तो ये सरकारी मित्रता की साफ तौर पर जो आरोप, अब कांग्रेस जितना आक्रामक है, क्या पिछले कुछ सालों में, जब 5 साल क्योंकि बीजेपी की सरकार, इतनी आक्रामक बीच में कांग्रेस नहीं रही, जो कह रहे हैं कि मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने? सही कह रहे हैं हमारे मित्र, ऐसा है कांग्रेस के ही आज मंत्री है वहाँ पे, वो चाहे बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के ही मंत्री हैं आज बीजेपी में जितने भी हैं, और उन्हीं को मनाने में पूरे 5 साल निकल गए। और सबसे बड़ी बात है, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, गर्भवती माताएं हमारी जो है दम तोड़ रही हैं बगैर इलाज के। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, ये उत्तराखंड की जनता ने बनाया, उत्तराखंड की माताओं ने बनाया, हंसा धनाई और बेलमती चौहान जैसी माताओं ने बनाया। लेकिन वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने अलग राज्य, जनता ने जब जोर लगाया, जनता ने कहा कि हमें दो, तब बनाई। और सबसे बड़ी बात है, आप रानीबाग का पुल देख लीजिए और एक गोलापार का पुल देख लीजिए, इनकी वास्तविक हालत आपको नजर आएगी। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र को जाएंगे अभी तो आपको सड़कों में 18, 19, 20 को जो आपदा आई थी, वो आपदा की सड़कें आज तक नहीं बन पाई हैं और इतना महीने बीत गए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए ये सबसे बड़े अभिशाप हैं ये दोनों। पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास के दावे बीजेपी के, उन दावों को वो नहीं मानते। आम आदमी पार्टी के कुछ इधर लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि युवा है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर, मेरा दोनों से क्वेश्चन है, बीजेपी कांग्रेस से, हल्द्वानी का जो मेन मुद्दा है वो रेलवे का है, वो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? इलेक्शन से 6 महीने पहले आते हैं, नोटिस निकालते हैं, वहाँ डराया जाता है जनता को सिर्फ वोटों के लिए। पूछेंगे उनसे, जानेंगे, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि कई यहाँ पे मौजूद है। सर, कौन से ऐसे मुद्दे आम आदमी बना पाई है पिछले, जब से अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया, कौन से ऐसे मुद्दे आपने प्रभावी बना दिए हैं जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी को जनता चुनी? सर, मुद्दे इतने प्रभावी है कि जितने भी हम लोग बैठे सब कांग्रेस बीजेपी के ही थे हम, लेकिन इनकी नीति इतनी खराब रही कि जनता हमको टोकने शुरू कर दी। इनके लिए भी वोट मांगने गए थे हम पहले, और जब जनता हमारे पीछे पड़ी उसके बाद हमको उनकी नीति देख के ही हम आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और आम आदमी पार्टी जो ये कभी नहीं कर पाए तो हम करके दिखाएंगे इनको। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सारे आरोप है। पहली बार हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार को, सरकार की तरफ से जो, अरे देंगे, यहीं से देंगे, उत्तराखंड से देंगे, उत्तराखंड से देंगे। और हम यहाँ पर पानी फ्री देंगे, ऊपर से हम यहाँ पे महिला को, हर महिला को 18 वर्ष की ऊपर से महिला को 1000 रुपए प्रति हर महिला को आगा। अरविंद केजरीवाल जो बातें कर रहे हैं सर, कई तरह के आरोप, कई तरह की चीजें आपने सुनी,
कह रहे हैं कि रेलवे का एक बड़ा मुद्दा है हल्द्वानी के लिहाज से, उस पर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती। वो कह रहे हैं कि बिजली यूनिट, बिजली पैदावार उत्तराखंड में, यहाँ बिजली महंगी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल सस्ता दे रहे हैं। कह रहे हैं महिलाओं को भी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देने को था। क्या लगता है कि सरकार के जो विकास के दावे हैं, उन विकास के दावों में क्या कहीं कोई कमी है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमला हुआ? देखिए, लगातार 5 सालों से हमारी यहाँ पर 5 साल पूरे होने वाले, लगातार हमारी सरकार विकास के कार्य यहाँ पर कर रही है। हल्द्वानी क्षेत्र के विकास के लिए अगर मैं यहाँ पर लोग कहने की विकास हुआ, माननीय इंदा हरदेश जी ने कह रहे हैं स्टेडियम बनाया, जो स्टेडियम इंदा हरदेश जी के लिए ये लोग कह रहे हैं, पूर्व में हमारे माननीय जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं बंसीधर भगत जी परिवहन मंत्री थे, उस समय उस स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और इंदा हरदेश जी ने सुनियोजित तरीके से वो स्टेडियम नहीं बनाया, इसीलिए आरोप पे एक जवाब। जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस जो है अभी बिल्कुल एक जवाब देना चाहिए इनको, जवाब तो देने काम की बात कर रहे हैं। देखो हमारे सवालों का जवाब नहीं है। तीन विकास, मैंने तीन विकास इन्हें पूछा, तीन विकास को नहीं बता पाए। ये कह रहे कि हमने कर दिया, करा क्या इन्होंने बताओ? एक चीज तो बता दे, मेडिकल कॉलेज की हालत देखो। ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जो स्टेडियम की जिसकी बात कर रहे हैं, अगर विकास किया है इंदिरा जी ने तो गोलावार में स्टेडियम बनवाया, जू बनवाया, आपके बस अड्डा बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, और हल्द्वानी की सड़कें जो आज देख रहे हैं, अरे एक मिनट यार, जो हल्द्वानी की सड़कें हैं और पूरे उत्तराखंड की सड़कें हैं, इतनी बढ़िया सड़कें बनाई कि आज भी देखिए, इनके स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं, ये अभिभाजित उत्तर प्रदेश के समय से पिछले 30 वर्षों से सत्ता में रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 30 वर्षों के उनके राजनीतिक जीवन में एक उपलब्धि जो गिनाने लायक है वो बता दें अपने काबीना मंत्री की, बंसीधर भगत जी की, 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन। जानेंगे उनकी बात, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जो बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने 10 सालों में जो विकास किया है, 10 साल में हमने एक ही विकास किया, अपने तीन तीन मुख्यमंत्री बदले हैं और तीन तीन अपने सारे मुख्यमंत्री बदले हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के सवाल पर कई चीजें हैं। जी जी, आप सुन रहे हैं लगातार। ये हल्द्वानी विधानसभा की बात हो रही है आज, तो पिछले 20 वर्षों से हल्द्वानी में कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने विकास नहीं किया। मैं सुन रहा था, हम इस बार 100% बीजेपी की विधायक बनाएंगे और इस हल्द्वानी का विकास। समय का बहुत अभाव है, जल्दी जल्दी सिर्फ चुनाव के मुद्दे क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हल्द्वानी के विकास में रह गए थे। मुद्दे में हमारे यहाँ का पहला मुद्दा है जो एम्स उन्होंने छीन कर अपने तराई में ले गए, अपनी चुनाव की सीट को बचाने के लिए उसे दोबारा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लाना है। क्या मुद्दे होंगे चुनाव के, मुद्दे बताइए। सर मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, किसके मुद्दों पे, कौन से मुद्दों पे? सर पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। समय का अभाव है, फिर नहीं रख पाएंगे, आप मुद्दे बताइए। सर हमें विकास चाहिए, बस हम यहाँ विकास चाहते हैं, हमें कोई नहीं। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ साथियों ने बोला है कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, हम बिजली देंगे, पहाड़ों में बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 300 यूनिट युवा बेरोजगार है, यानी हमारे प्रदेश का एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला। हम कोशिश कर रहे थे जाने की हल्द्वानी में, कि गांव में मुद्दे बने, वैसे तो इस तरह से नहीं, ये तरीके नहीं, हमने कोशिश की यहां से जानने की कि 2022 के कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर चुनाव होगा। निश्चित तौर पर 2022 में विकास के मुद्दे पर ही लोग चुनाव चाहते हैं, और अब 2022 की रन की टीम अगले विधानसभा फिर दोबारा मिलेंगे।